ओम वंग अस्तु
ॐ कशोर्मे प्राणःअस्तु ॐ अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु ॐ करोद्यमिलङ्की आय देखो रुद्यमिलङ्की प्रियतम पधारे चली रे मैं तो पिया मिलन को आ चली रे मैं तो पिया मिलन को आ चली रे मैं तो पिया मिलन को आ आई है देखो रुपये मिलन के आई है देखो रुपये मिलन की संधाता समुदेशि दधातुनो बैठ करके कन्यादान करें।
बड़ा भाग्य उदय होता है, कुल देवी का पितरों का आशीर्वाद होता है, और जो यहाँ बैठे सगे संबंधी जी की ब्लेसिंग होती है, सब आदमी कन्यादान करता है। तो आज आपके जीवन में वो सुनहरा दिन है जो आप पत्नी को साथ में लेकर के यज्ञ कर रहे हो। वो भी कौन सा यज्ञ? सबसे बड़ा यज्ञ जिसे कहते हैं कन्यादान। सब दानों में श्रेष्ठ बताया। बोलिए पुरुषान आत्मानं च पवित्रिम कर्तुम लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्रह्म विवाह विधि नाम। पहले भी बताया था मैंने ब्रह्म विवाह विधि, विधि नाम कन्यादान। सभी ध्यान देना, कन्या को संज्ञा दी सोना की, कन्या कनक संपन्ना मतलब सोना की संज्ञा दी कन्या। सोना को कहाँ रखते हैं? ड्रेसिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, तिजोरी में, सात ताला के अंदर। उसी प्रकार माता पिता की जिम्मेदारी होती है कन्या की रक्षा करें हर प्रकार से, हर प्रयत्न से। इसलिए आज के दिन के लिए लाडो को सौंपना है, तो सोना और कन्या एक बराबर बताया। यहां पर विष्णु जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे लाडो, हे नेहा, हे प्यारे बेटी, बिटिया रानी, हमारे घर में आपका जन्म हुआ, हमने नाजों से पाला पोसा, आपको बड़ा किया, खूब सजाया धजाया, विद्या ग्रहण करवाया, गुणवान बनाया, और अब आपको मैं सौंपने जा रहा हूं। ये देखिए भारी बात होती है। आज उत्सव का माहौल है, गाजे बाजे बज रहे हैं, कन्या माता पिता का हृदय कहता है कि मैं नाचूं, कि मेरे लाडो की विदाई की बेला है, मैं रोऊं क्या करूं। लेकिन हर फर्ज निभाता है बड़े चाव से, और क्षमा प्रार्थना कन्या से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, लाडो अगर तेरे लालन पालन में कोई कमी रही हो लाडो तो मुझे क्षमा करना, और आशीर्वाद देते हुए अपने सपनों के राजकुमार के साथ अपनी दुनिया बसाना। क्या कहते हैं? आशीर्वाद भी दे रहे हैं। माता पिता का हृदय हमेशा आशीर्वाद देता है। क्या कहता है? तेरे हमें हे लाडो, संसार की सारी खुशियां तेरे कदमों में हो, खुशियां कदम चूमे तेरे हमें, जा जा रे लाडली कुटिया की, जा जा रे लाडली जी के दे, खुशियां कदम छूमे तेरे हमें, खुशियां कदम छूमे तेरे हमें, जाने लगी दुपिया जी के दे। और हमने खूब तुम्हारी नाजो से पाला। देखिए पिता चाहे एक कमाए, चाहे लाख कमाए, चाहे करोड़ कमाए, लेकिन अपने बच्चों की हर बात पूरी करने की कोशिश करता है। तेरे
आप जो ससुराल जा रहे हो, देखो यूं तो सास का नाम लेने से नेहा जी इधर ध्यान दीजिएगा, आप ससुराल जा रहे हो ना, तो आपकी सास बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, बहुत मंगल गोत्र से चिरंजीव विष्णु प्रसाद जी गुप्त से पुत्री तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
और क्या कहते हैं, करे राम बना रघुनाथ बना, रघुकुल के बना जरा होले होले पाव मेलो बना, दुपट्टा रेशम पीतांबर का धारो बना, ठंडी नजरों से हमको निहारो बना, जरा धीरे हरे हरे प्यारे प्यारे मामा दे दे मैं आशीर्वाद, प्यारे प्यारे मामा दे दे मैं आशीर्वाद। मामा जी लगन मंडप में मामा सज धज के आए आए, लगन मंडप में मामा सज धज के आए आए, बना बनी के ऊपर आशीर्वाद लुटाए, बना बनी के ऊपर आशीर्वाद लुटाए, रहे खुशहाल ये जोड़ी रहे खुशहाल ये जोड़ी, रहे प्यार भरा ये साथ प्यारे 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 मामा दे दे मैं आशीर्वाद, प्यारे प्यारे मामा दे दे मैं आशीर्वाद। देखिए ध्यान दे देखिए विवाह में कई प्रकार के लोग हैं, तो यहाँ पर्दा लगाया गया, दोनों आंख बंद करने के लिए बोला गया है, क्या कहते हैं किसे किसी की नजर ना लगे, कहते ना बुरी नजर वाले तेरा मुंह गुलाबी काला, तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर्दा लगाया और आपको किसी की नजर ना लगे, ऐसा आशीर्वाद यहाँ पर सभी दे रहे हैं। और उसके बाद सप्तपदी होती है, यहाँ पर सात सुद्धी देखो आज मैंने पाँव पकड़ाया तो कल से धोखा ने मत लग जाना, अभी मैंने पकड़ाया इसलिए देवी है आपके राइट साइड में बैठी है, देवी का पाँव पकड़ना कोई दोष नहीं है, और आज के बाद नेहा आपके धोखा है कि आप आशीर्वाद देंगे, हरी बीमारी में कोई दोष नहीं है, है ना। पत्नी कब होती है, जब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में आकर विराजमान होती है, इसलिए यहाँ पर बताया है ना, बाई तरफ धड़कता है, जब बाई तरफ आ जाएगी तो आपका पूरा विवाह हो जाएगा। हम लोग कब से लगे हुए, कितने दिनों से लगे हुए, लेकिन अभी भी शास्त्र कहता है कि कन्या कुमारी है, बताओ फेरा भी होगा कन्यादान भी होगा, लोग जिम जिम का गला भी पूछ गए, लेकिन शास्त्र कहता है कि कन्या कुंवारी है। कैसे भाई, बोले जब तक कन्या सात वचन मांगेगी आपको मंजूर हो गए तो वो आपकी बाई तरफ आएगी और आपका विवाह पूरा हो जाएगा। गृहस्थी का अल्फाबेट सुंदर सुंदर, साल में एक त्योहार आता है धनतेरस का, कोई गहना बना दे, गए के बाद नंबर आता है गए, मतलब घुमाना फिराना, तो कहाँ घुमाओगे, बैंक ऑफ पटाया सिंगापुर, कभी वृंदावन भी ले जाना, कभी खाटू धाम भी ले जाना, तीर्थों के दर्शन कराना, ठीक है ना। तो पहला वचन कन्या आपके लिए बोल रही है, क्या अनुज जी ध्यान से सुनिएगा, तीर्थ व्रत उद्यापन, तीर्थ करने से तन की शुद्धि, व्रत करने से मन की शुद्धि और दान करने से धन की शुद्धि होती है, तो ऐसा कार्य आप जीवन में करोगे तो मैं आपके बाई तरफ आऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड, मंजूर है क्या। अरे समझ में आया, इन्हें इसने कहा कि अच्छा काम करना, तीर्थ व्रत उद्यापन, स्त्रियों का क्या स्वभाव रहता है,
बोला अरे सुनती हो क्या? बोला क्या? बोले शुक्रवार का शुरू कर दूंगी आपको, जैसे मेरे माता पिता गठजोड़ा से बैठ के उद्यापन कर रहे हैं उस प्रकार व्रत का उद्यापन करवाना होगा मेरे साथ। दूसरा वचन, पूजा करके देवी देवताओं को प्रसन्न करना और श्राद्ध करके जो पितरेश्वर है उनको प्रसन्न करना हमारी जिम्मेदारी। तो अभी तो आपके ऊपर पिता माता बैठे हैं, वो श्राद्ध कर्म कर सके उनका हेल्प कराना, ये दूसरा वचन कन्या का आपके लिए। तीसरा वचन, कुटुंब की रक्षा करना, अगर कोई भाई नीचा है तो उसको सपोर्ट देना, बराबर वाला बनाना। तीसरा वचन, वचन बोलना हो सब मंजूरी आपको देनी है, मंजूर है तो बोलो तथास्तु। हाँ, चौथा वचन कन्या क्या कहती है कि आपकी इनकम के बारे में मेरे को पता होना चाहिए। बोलो हो आते ही इनकम बैलेंस शीट है? बोला नहीं नहीं गलत प्रश्न किया, अगर मेरे को आपकी इनकम का पता चलेगा उस हिसाब से आपके को चलाऊंगी मैं, है ना, सबको देखूंगी। पांचवा वचन, पांचवा वचन, हमारे पास बहुत धन है हमने कमाया, अपनी हर मन कामना पूरी की, घूमे फिरे सब मन की काम देखा, मुंह हिलाया, अब थोड़ा कान खोल के सुनिए। बोले बोलो। बोला आज तक मैं नहीं थी आपके जीवन में, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, आज के बाद किसी भी पराई स्त्री को देखोगे तो किस नजर से देखोगे? क्यों? अच्छी नजर से देख लेंगे, बहन ही जरूरी है, माँ भी है, ताई भी है, चाची भी है, अच्छी नजर से देखना है? तो बड़ी को माँ की, ताई की, चाची की, सासू जी की नजर से देखना, बराबर वाली को वो बहना और छोटी को एज ए डॉटर पुत्री के रूप में देखना। नेहा कहती है पत्नी के रूप में सिर्फ, दूसरे की तो सोचना भी मत है? तो सात वचन नेहा आपको बोली, सिर्फ सातवा अपने लिए मांगती स्त्री, बाकी तो आपके परिवार के लिए मांगती कि बैलेंस शीट बताओगे तो आपके घर को चलाऊंगी अच्छे से, सब आपके लिए मांगती। ये सात वचन नेहा का आपके लिए था और एक वचन आपको मंजूर है क्या सबको? अब अनुप जी का एक वचन आपके लिए, जो सातवीं कंडीशन आपने लगाई वो सेम आपके ऊपर एप्लीकेबल है। बड़े को पिता, बराबर वाले को भाई और छोटे को पुत्र बेटे के रूप में देखना, पति के रूप में सिर्फ अनुज जी को देखना और किसी भी पराये बिना बुलाए ना जाना, इवन पीहर भी जाना हो तो बुलावा आए तो सम्मान से जाओ, तो टांटिया परिवार की कुल वधू हो गई हो, मान सम्मान से जाओ और मान सम्मान से आओ, और पराये पुरुष के साथ मर्यादा में बात करना, अभी चलेगा स्माइल में बात करना, ये जो भी है ना स्माइल कैसे मुलकना, मर्यादा में रहना, सही है ना? अगर सही बात है मंजूर है क्या आपको इनका वचन? मंजूर है? बोलिए ओम तथास्तु। अब देखो भाई किसे मंजूर ज्यादा, एक बार खड़े होकर दिखाओ, हाँ दोनों में से किसको ज्यादा मंजूर है? देखिए पहले कौन खड़ा होता है? ओहो एकदम साफ था। अब नेहा आगे से आकर के साइड चेंज कर लो, सिर्फ आज के दिन स्त्री आगे से आती है, बाकी जब भी साइड चेंज करना हो ज्यादा से ज्यादा ये सिंदूर ले लो, जितनी ज्यादा से ज्यादा ये ले लो और कुल देवी का पितरों का ध्यान करो। हे कुल देवी मैया, मुझे आज ऐसी शक्ति दो कि मैं जिसकी मांग भरने जा रहा हूँ वो मांग हमेशा लाल रहे, सिंदूरी रहे और नीचे से ऊपर मांग भर दो। मांगुंग समेत पर्षता सौभाग्य प्रसिद्धता यादा तुम भी पदीता देही सौभाग्य आरोग्यम देही मे परम सुखम रूपम देही जयम देही यश देही कृतो देही रूपम देही जयम देही यशो देही कृतो देही रूपम देही जयम देही यशो देही। Thank you.
दिसो नहीं। एक आहुति दे दे, एक आहुति दे दे, ओम अग्नय सृष्टि करते स्वाहा। बोल खाटू नरेश की, बोल बजरंग बली की, बोल कुल देवी महारानी की, बोल पितर जी महाराज की, बोल तुगल जोड़ी सरकार की। अब देखिए जैसी जोड़ी लग रही है ईमानदारी से वैसी ताली बजाना, जैसी जोड़ी वैसी ताली। और क्या कहते हैं, जुगल जोड़ी प्यारी, जुगल जोड़ी प्यारी, जुगल जोड़ी प्यारी, जुगल जोड़ी प्यारी, श्री राधे राधे श्री राधे जी के संग बिराजे सांवरियो गिरधारी, श्री राधे जी के संग बिराजे सांवरियो गिरधारी। एक बार नाच के आशीर्वाद दे दो। बनने वाले कौन कौन है, बारात में कौन कौन आया, एक बार थोड़ा मीठा भाई, बारात में कौन कौन आया और बनने वाले कौन कौन है वो हाथ दिखा दो। बारात में आते हैं ना उनका सीना 32 से 56 हो जाता है। क्यों भाई बारात में आए तो क्या कहते हैं वो बारात वाले, अपने बनने की बड़ाई करते क्या कहते हैं, अरे बनो मारो फूल गुलाबी। तो कन्या वाले क्या कहते हैं, बनी को रंग केसरिया। ये बन्ना और बनी वाले दोनों मिलकर सगा सगी नाते हैं, क्या कहते हैं, अरे बनो मारो फूल गुलाबी, बनी को रंग केसरिया, बनो मारो फूल गुलाबी, बनी को रंग केसरिया। सगा जी सभी आ जाओ, सगा जी आज सगी जी सागर मिलकर नाचो जी, सगा जी आज सगी जी सागर मिलकर, सगा जी आज सगी जी सागर मिलकर नाचो जी, सगा जी आज सगी जी सागर मिलकर, नखराना दिखाओ कन्न कन्न आओ, नखराना दिखाओ कन्न कन्न आओ। उत्तराम आशीर्वाद दो। हाँ दोनों के मम्मी पापा अनुज जी के नेहा जी के एक बार विवाह यज्ञ मंडप में आ जाएं और आशीर्वाद दें इस जुगल जोड़ी को कि ये जुगल जोड़ी हमेशा हंसती रहे खेलती रहे, इनके जीवन में हमेशा प्यार ही प्यार रहे। क्या कहते हैं, सभी आ जाएं। Thank you.
शासन के मंदिर में हनुमान विराजे रे। इनका आशीर्वाद, इनका जो मन कह रहा है वो मैं कह रहा हूँ आपको सुनाता हूँ, इनकी हार्दिक इच्छा क्या है। आशीर्वाद दे रहे ना, बोलो मेरे साथ, बोलो बना रहे, बनना रहे, बनी रहे, और बना बनी में बनी रहे, यही है ना। तो राधे किसकी जुगल जोड़ी है, बड़ी प्यारी लग रही है, ये हमेशा यूं हंसते रहे, झूमते रहे, इनके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए, ये आशीर्वाद है गुरु जी का, और ये आशीर्वाद हम सभी ब्राह्मणों का। आप कितने भाग्यवान हैं।